दीपा नीडिंग चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर बहुत ही सुंदर और आसान लड़के के लिए टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। इसमें मैं चोटी डालकर बना रही हूँ और आप ये टोपी किसी भी साइज में आसानी से बना सकते हैं। इधर मैं 46 फंदे लेकर बना रही हूँ और ये मेरा 6 साल से 9 साल के बच्चे के लिए है। इसके लिए 9 नंबर का काटे का यूज़ कर रही हूँ और ये 2 प्लाई का उल डबल करके बना रही हूँ। देखिए अब इधर से हम बॉर्डर डिजाइन डालेंगे। फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है, फिर इस तरीके से सीधी बिने बेल लेना है। इसमें मैं फिशरमैन रिब डिजाइन डाल रही हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से सीधी सीधी बुन रही हूँ बॉर्डर में। देखिए इस तरीके से सीधी बिनाई बिन लेना है। ये मैं 6 साल से लेकर 9 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आप इससे छोटा साइज और बड़ा साइज का बनाना चाहते हो तो फंदे कम बेसी लेकर भी बना सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, इसमें मैं शहर की हाफ गोलाई का हिसाब से बना रही हूँ। आप भी इस तरीके से भी इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए ये उल्टी वाली फंदे है, इसके नीचे से आपको एक फंदा सीधी, फिर एक फंदा उल्टी, धागा पीछे एक फंदा सीधी, फिर एक फंदा उल्टी बुनाई, फिर एक फंदा आपको सीधी बुनाई। इस तरीके से बिन लेना है नीचे से। देखिए एक फंदे आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है, एक फंदे उल्टी बिनाई के नीचे से सीधी बिननी है। इस तरीके से बिननी है, इस तरीके से बिननी है। देखिए एक फंदा आपको उल्टी बिननी है तो एक फंदा आपको सीधी, एक फंदा उल्टी, एक फंदे उल्टी फंदे के नीचे से सीधी। इसी तरीके से बिननी है बॉर्डर में। मैं अभी बॉर्डर बना रही हूँ और ये मैं फिशरमैन रिब डिजाइन का बॉर्डर डाल रही हूँ। अगर आप किसी भी डिजाइन का बॉर्डर बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, पर ये फ्लेक्सिबल होना है, ये बात ध्यान देते हुए आपको ये बॉर्डर बनाना है। फिर देखिए इसका सुल्टी साइड से आपको ये डिजाइन किस तरीके से बननी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए सेकंड फंदा का नीचे से आपको होल है, इसी होल में इस तरीके से सीधी बिननी है। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टी बिनाई बिन लेना है, धागा पीछे की ओर। देखिए ये सीधी फंदे के नीचे से आपको इस तरीके से सीधी बिनाई बिन लेना है। देखिए एक फंदा आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है, फिर एक फंदा का नीचे से आपको इस तरीके से सीधी बिननी है, इस तरीके से बिननी है। इसी बात को रिपीट करते हुए बिन लीजिए। मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ। आप इस तरीके से 1.5 से लेकर 2 इंच तक बॉर्डर बना सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। आपका ये दोनों तरफ से एक ही डिजाइन आ जाता है। अभी मैं इसकी उल्टी साइड से हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। ये देखिए सीधी फंदा का नीचे से आपको एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बुन लेना है। मैं भी इसी तरीके से बुनती हूँ। आपको ये 1.5 से लेकर 2 इंच तक बॉर्डर बनाना है। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ दोनों तरफ से, और फिर इतना बुनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना बना चुकी हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इस तरीके से नीचे से आपको एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा।
इस तरीके से आपको बॉर्डर बिन लेना है। देखिए फर्स्ट फंदे बिने बिना उतारना है, फिर ये सीधी वाले फंदे के नीचे से आपको एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से बिननी है। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा आपको उल्टी बिनाई, फिर देखिए ये सीधी वाले फंदे के नीचे से आपको एक फंदा सीधा, इस तरीके से बिननी है। और लास्ट का दो फंदे आपको उल्टी बिनाई बेल लेना है। इस तरीके से आपको बॉर्डर बनाना है। मैं इतनी बॉर्डर बना चुकी हूँ, आप आपका साइज का हिसाब से बना सकते हैं। देखिए इतनी बॉर्डर बना चुकी हूँ, अब इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, इधर से आपको सारी फंदे उल्टी बुनाई बिन लेना है। मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से बिननी है, ये इसकी उल्टी साइड है, इसलिए हम उल्टी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे। इस तरीके से आपको चार सलाई बिन लेना है, दो सलाई आपको सुलटी ओर से और दो सलाई आपको सुलटी ओर से बिननी है, तो ये आपका ये डिजाइन तैयार हो जाता है। देखिए इस तरीके से सीधी बिननी है उल्टी साइड से। ये उल्टी ओर से पूरी होने के बाद इसकी सुलटी ओर से देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इधर से आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है। इस तरीके से साड़ी में इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए इसकी सुलटी ओर से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इधर से आपको सीधी बिनाई बिन लेना है। इस तरीके से साड़ी हम इसी तरीके से बिनते हैं सीधी सीधी। ये अभी हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं, अभी इसी तरीके से बनाइए। इस तरीके से देखिए ये इसकी सुलटी साइड है और ये उल्टी साइड। सुलटी साइड में ये डिजाइन चार सलाई बिनने के बाद इसका ऊपर फिर चार सलाई सीधी बिनते हैं। देखिए अब इधर से फिर एक फंदे बिने बिना उतार कर फिर इधर से आपको सीधी बिनाई बिन लेना है। इस तरीके से आप टू कलर से भी बना सकते हैं। देखिए इसके पीछे आपको ये डिजाइन आ जाता है, ये डिजाइन, ये हमारा ये वाले डिजाइन है, आपको इसी तरीके से बिननी है। अर्थात चार सलाई में हम सीधी ओर से सीधी सीधी बिनेंगे और उल्टी ओर से आपको उल्टी उल्टी बुनकर चार रो पूरी करनी है। देखिए इस तरीके से बिननी है। अगर आप टू कलर से बनाना चाहते हो तो लेडीज की चोटी वाली टोपी डिजाइन में डाल रही हूँ, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं ये आप टू कलर से किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड में हम फिर इसकी उल्टी बुनाई बिनते हैं इसी तरीके से ये डिजाइन बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से बिननी है उल्टी साइड में आपको, और सुलटी साइड में आपका ये सीधी वाले डिजाइन आ जाता है ये वाला, इसी तरीके से बिननी है आपको। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, इधर भी मैं इस तरीके से उल्टी बुनाई बुनकर ये सिलाई पूरी करती हूँ। इस तरीके से पूरी करनी है आपको। देखिए इस तरीके से आपको इधर भी सीधी में चार सलाई बिनने हैं, ये दो सलाई बिन चुके हैं, इसी तरीके के डिजाइन बनाते जाना है आपको। फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारेंगे, फिर इधर से आपको सीधी बिनाई बिन लेना है इस तरीके से।
मैं लास्ट में आ रही हूँ, मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ सीधी सीधी। इस तरीके से बीनने हैं, फिर उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारेंगे, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिना बिन लेना है इस तरीके से। बाकी भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। ये उल्टी साइड से बिनने के बाद हमारा ये चार रो पूरी हो जाता है। आप भी इसी तरीके से बिनिए। मैं भी इसी तरीके से बिनकर ये उल्टी साइड पूरी कर चुकी हूँ। इस तरीके से बिनी है, ये इसका उल्टी साइड है और ये सीधी साइड। आपको इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए बिनी है। अब ये डिज़ाइन आपको इसका ऊपर डाल लेना है। देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ, ये चार सलाई मैं उल्टी उल्टी की बना रही हूँ और चार सलाई आपको सीधी ओर से सीधी सीधी का ये डिज़ाइन बनाना है। ये इस तरीके से बनाओगे तो आपका ये डिज़ाइन आ जाता है। इस तरीके से मैं पांच डिज़ाइन डाल रही हूँ और देखिए इसकी ये उल्टी साइड से है, ये उल्टी साइड से भी आपको इसी तरीके से चार सलाई सीधी चार सलाई उल्टी इस तरीके से बिननी है। देखिए इसमें मैं एक दो तीन चार डिज़ाइन डाल रही हूँ और ये सिल्टी में आपको पांच डिज़ाइन डाल लेना है। अब देखिए इसकी सुलटी साइड से, अब सुलटी साइड से आपको चार इंच सीधी सीधी बुनाई बुन लेना है। अगर आप छोटे साइज का बनाना चाहते हो तो तीन इंच भी सीधी बुनाई बुन सकते हैं। इस तरीके से बुननी है। देखिए उल्टी में आपको ये डिज़ाइन आ जाता है। इस तरीके से बिननी है, मैं भी इस तरीके से बिनती हूँ सीधी साइड से सारी सीधी सीधी। फिर उल्टी तरफ से आपको सारी उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरीके से आपको चार इंच बिन लेना है, अर्थात ये सीधी में सीधी डिज़ाइन और उल्टी में उल्टी डिज़ाइन बनाकर चार इंच बिनने हैं आपको। ये सीधी में ये सीधी वाले डिज़ाइन आ जाता है और उल्टी में आपका उल्टी वाले डिज़ाइन इस तरह का आ जाता है। इसी तरीके से चार इंच बिनती हूँ मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैं एक दो तीन चार पाँच डिज़ाइन डाल रही हूँ और फिर इसका ऊपर मैं इसी तरीके से बनाऊंगी और फिर आपको ये डिज़ाइन चार इंच बिनने हैं। ये मेरा चार इंच से थोड़ा कम है, मैं चार इंच बनाती हूँ। देखिए ये मेरा साढ़े आठ इंच का हो रहा है। मैं इसके ऊपर इस तरीके से नाप कर चार इंच बनाऊंगी और ये दो इंच मेरा इस साइड में फोल्ड होगा इस तरीके से। अगर आप दो से लेकर पाँच साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से तीन इंच बना सकते हैं इसका ऊपर और फिर आपको इसके ऊपर इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए बिनने हैं। मैं ये चार इंच बनाती हूँ, चार इंच से थोड़ा कम है मेरा, इसलिए फिर इसका ऊपर मैं ये डिज़ाइन आपको डालना बताऊँगी। देखिए चार इंच बना चुकी हूँ मैं और ये मेरा नौ इंच का बन रहा है, अर्थात इधर से इधर तक का मेरा चार इंच है। अगर आप दो साल से लेकर पाँच साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो तीन इंच बना सकते हैं ये सीधी सीधी का डिज़ाइन और ये इसका लंबाई भी इस तरीके से बिनने से आपका बच्चे का साइज का बन जाता है। देखिए अब फिर इसका ऊपर हम इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे। ये मेरा साढ़े छः इंच है और साढ़े छः इंच का दो इंच मेरा इस साइड इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। देखिए ये दो इंच इस साइड में, अर्थात दूसरी साइड का बन रहा है ये। इस तरीके से बिननी है आपको।
इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए बिनने हैं आपको। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारने हैं, फिर इधर से आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है इस तरीके से। मैं भी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनती हूँ इस तरीके से ये डिजाइन बनाने के लिए। अभी इसी तरीके से चार सलाई ये डिजाइन डालकर बनाइए। और देखिए इसकी उल्टी साइड में सीधी बिनाई है, सीधी साइड में आपको उल्टी बिनाई है। इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं आपको। देखिए उल्टी साइड में सीधी और सीधी साइड में उल्टी बुनकर ये डिजाइन चार सलाई बनाना है। इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, अर्थात सुलटी तरफ से उल्टी बुनकर ये डिजाइन बनाती हूँ। देखिए और उल्टी तरफ से सीधी बनाकर ये डिजाइन बनाना है आपको इस तरीके से। बिनके ये मैं चार सलाई बना चुकी हूँ, सुलटी तरफ से सुलटी सुलटी बुनकर और उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बुनकर। अब इसका ऊपर मैं सीधी सीधी बनाऊंगी चार सलाई सीधी साइड से, सीधी डिजाइन इस तरीके से बनाते हुए और उल्टी में उल्टी डिजाइन बनाते हुए चार सलाई पूरी करती हूँ। इस तरह का डिजाइन बन जाता है। देखिए ये सीधी वाली इसका ऊपर बन रहा है अभी। इस तरीके से चार सलाई बिननी है आपको, सीधी में सीधी और उल्टी में उल्टी बुनकर। देखिए मैं अभी ये डिजाइन एक दो तीन चार और ये पांच बना रही हूँ। इसका ऊपर भी मैं पांच डिजाइन बना चुकी हूँ। अब मैं इसका ऊपर बॉर्डर डालती हूँ। ये देखिए ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ आपको, 12 इंच का लंबाई बन रहा है। देखिए ये आपको इस तरीके से खींच कर नापना नहीं है, अगर आप इस तरीके से खींच कर बनाओगे तो आपका ये बिगड़ जाता है। देखिए इसका ऊपर फिर हम बॉर्डर डालते हैं। ये 2 इंच का मेरा आरारी बॉर्डर डिजाइन है। अब इसका ऊपर इसी बॉर्डर डिजाइन को रिपीट करते हुए बिनेंगे। देखिए इधर से फिर भी हम बॉर्डर बनाते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इधर से आपको सीधी बिनाई बेल लेना है इस तरीके से। अब इसका ऊपर हम बॉर्डर डिजाइन डाल रहे हैं, इसलिए हम इस तरीके से सीधी सीधी बना रहे हैं। अभी इसी तरीके से बनाइए। ये मैं फिशरमैन रिब डिजाइन डाल रही हूँ। अगर आपको ये डिजाइन पसंद ना आए तो आप कोई भी बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं, पर वो डिजाइन फ्लेक्सिबल होना है, ये आपको ध्यान देते हुए बिनने है ये बॉर्डर में। देखिए इस तरीके से सीधी बिननी है। ये मैं इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए बॉर्डर बनाऊंगी। अभी मैं सीधी साइड से बना रही हूँ सीधी सीधी बुनाई का। इस तरीके से सीधी साइड पूरी करनी है आपको। उल्टी साइड से फिर आपको बॉर्डर डिजाइन बनाने हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर उल्टी फंदा का नीचे से आपको एक फंदा सीधा बनाना है। देखिए एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा का नीचे से एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टी बिनाई बिन लेना है, फिर आपको एक फंदा धागे पीछे लेकर जाकर एक फंदा सीधा बनाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बिननी है। जिस तरीके से हम नीचे का बॉर्डर बना रहे थे उसी तरीके से ऊपर का बॉर्डर बनाना है। यह आपको 14 इंच बिनने है, अर्थात इतनी बिनने के बाद ये 14 इंच के बन जाता है। आप इस तरीके से खींचोगे तो आपका ये बिगड़ जाता है। इसी तरीके से आपको नाप लेना है, ये इस तरीके से खींच कर नापे बिना आपको इस तरीके से इसका नाप लेना है। देखिए अब इसका ऊपर आप किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए उल्टी साइड से 4 इंच जो हम बनाए रहे थे बीच में, ये आपको इस तरीके से सिल लेना है। इस तरीके से सिलते हुए आपको
ये 4 इंच सिल लेना है। अगर आप बच्चे का साइज का बना रहे हो तो 3 इंच आप 3 इंच इस तरीके से सिलिए। मैं 4 इंच इस तरीके से सिलकर पूरी कर चुकी हूँ। अब इसको इस तरीके से खींचना है और खींचने के बाद आपको इससे गांठ लगाना है। देखिए इस तरीके से गांठ लगाएंगे, फिर एक बार आपको इधर गांठ लगाना है। इस तरीके से फिर इसकी उल्टी साइड से आपको एक दो बार सिलनी है और फिर लॉक लगाना है। इस तरीके से हम इधर एक दो बार सिलने के बाद ये धागा लॉक लगाएंगे इस तरीके से। और फिर ये धागा आपको कट करना है इस तरीके से। और फिर आपको इधर भी इसी तरीके से सिलनी है। मैं इधर सिलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए और ये आपको ऊपर का और नीचे का एक साथ बनाते हुए सिल लेना है, इसलिए हम इधर इस तरीके से काठी डालते हैं, अर्थात काठी से एक बार सिलाई करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ये एकदम परफेक्ट चौड़ाई हो जाता है, इसलिए आपको इस तरीके से सिलने के बाद देखिए ये डिजाइन इसका इस तरीके से जुड़ जाता है। अब फिर देखिए इसमें हम सिलाई करते हैं। सिलाई आप किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। देखिए ये डिजाइन और ऊपर का डिजाइन अर्थात नीचे का डिजाइन जुड़ते हुए आपको सिल लेना है इस तरीके से। देखिए और साथ आपको नीचे का फंदे उठाना है और ऊपर का फंदे उठाकर सिल लेना है इस तरीके से। मैं सारी इसी तरीके से सिलती हूँ। फिर आपको ये किस तरीके से चोटी हालने हैं ये मैं दिखाऊंगी। ये जिस तरीके से आप उस साइड का सिला रहे थे उसी तरीके से इस साइड की भी सिलाइए। मैं भी सिलाती हूँ। सिलने के बाद हमारा ये डिजाइन इस तरीके से आ जाता है। अगर आप ये बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से इधर इस तरीके से बटन लगाकर भी सजा सकते हैं। ये आप 10 से ऊपर का बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरी साइड भी इस तरीके से बटन लगा सकते हैं। पर मैं ये 6 से 9 साल की बच्चे के लिए बना रही हूँ और इसमें मैं चोटी डालकर बनाऊँगी। देखिए बटन आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप बटन बना कर इसको लगाओगे तो देखिए फिर इस तरीके से सिलनी है आपको।
फिर आपको ये नीचे से इसमें लॉक लगाना है। इस तरीके से गांठ लगाइए और गांठ के नीचे से आपको सिए डालने हैं और फिर धागा लॉक लगाना है। दो चार बार इस तरीके से सिल सकते हैं आप और फिर दो चार बार सिलने के बाद ये गिरेगा ना, इसलिए आप इसको लॉक लगाइए। देखिए लॉक आपको उल्टी साइड से लगाना है। और फिर इसकी उल्टी साइड में हम बटन ना गिरे इसलिए लॉक लगाते हैं। उल्टी साइड से आपको लॉक लगाना है। देखिए इस तरीके से भी आप लॉक लगा सकते हैं, इस तरीके से एक दो बार और लॉक लगाना है आपको इस तरीके से। अब फिर बाकी का जो धागा है इससे भी हम इधर गांठ लगाकर काटेंगे अर्थात कट करेंगे इस तरीके से। अब बाकी का सारे धागे के साथ इसको कट करते हैं। देखिए इस तरीके से कट करना है और दूसरी साइड भी इस तरीके से आपको बटन लगाना है। देखिए इस तरीके से अगर ये बटन लगाए बिना चोटी डालकर बनाना चाहते हो तो मैं आपको इसमें चोटी किस तरीके से लगाते हैं ये भी मैं दिखाऊंगी। देखिए ये आप 10 से लेकर 15 इयर्स के बच्चे के लिए बना सकते हैं। इससे आपको थोड़ी लंबा साइज का बनाना है। देखिए इस तरीके से अब फिर मैं इसमें चोटी लगाकर आपको दिखाऊंगी कि ये 6 से 9 साल के बच्चे के लिए आप किस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से आपको गांठ लगाकर इसको इस तरीके से बनाना है चोटी की तरह। और फिर ये गांठ आपका खोलकर इस तरीके से क्रूसे से डाल लेना है। फिर ये डालने के बाद आपको गांठ लगाना है इस तरीके से। ये गिरेगा ना इसलिए आपको इस तरीके से गांठ लगाना है। अगर आप चाहते हैं तो दो चार बार इसको सिल सकते हैं इस तरीके से गांठ लगाना है। और फिर आपको इसको खींचना है इस तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से ये छोटी बन जाता है। अब ये हमारा छोटी वाली टोपी बन चुका है। और ये टोपी डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है इसलिए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए विदा होती हूँ, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।